करीब 4 महीने पहले आगरमालवा में मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक के तहत क्लिनिक का उद्घाटन किया गया था। लगभग 30 लाख रुपए की लागत से बने क्लिनिक की इमारत अटल खड़ी है, लेकिन इमारत को इंतजार है बस स्टाफ की नियुक्ति का और स्थानीय लोगों को इंतजार है क्लिनिक में होने वाली निशुल्क जांच का। ताला जड़े संजीवनी क्लिनिक का जायजा लिया हमारे सहयोगी जफर मुल्तानी ने। छावनी के इस क्षेत्र में अस्पताल की आवश्यकता थी। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक का कंसेप्ट मध्य प्रदेश के कई शहरों में लागू किया गया, जिसके अंतर्गत करीब 29 लाख रुपए की लागत से छावनी के इस सराय परिसर में नगर पालिका स्वामित्व की भूमि में यह अस्पताल बनाकर तैयार किया गया। 2 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान आगर आए थे, उस दौरान उन्होंने औपचारिक रूप से इस क्लिनिक का लोकार्पण भी किया, किंतु आज 3 माह बीत चुके हैं, अभी तक यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन शुरू नहीं हो रहा है। तो ये आपने बताई कि लगभग किस तरह की जांचें यहाँ पर होना है और तमाम तरह का स्टाफ यहाँ पर रहेगा, कि स्टाफ की दृष्टि से अगर बताया आपको दिखा सके खाली पड़ा है यहाँ पर, जो बात की गई है संजीवनी क्लिनिक का कंसेप्ट है उसमें जो है कि एक मेडिकल ऑफिसर, 2 स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, NPW कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे पदों की स्वीकृति यहाँ पर होना है, तब जाके ये संचालित हो पाएगा। और भी यहाँ पे एक समाजसेवी भी मौजूद है हमारे साथ में, प्रहलाद सिंह जी चौहान। आप बताए कि प्रहलाद जी किस तरह की असुविधा हो रही है अगर ये क्लिनिक नहीं खुल रहा है तो? ये क्लिनिक का जब लोकार्पण हुआ था तब लोगों में एक आशा जगी थी कि हमें छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए 2.5-3 किलोमीटर दूर शासकीय अस्पताल में नहीं जाना पड़ेगा और हमारी समस्याएं यहीं हल हो जाएंगी, किंतु अभी तक देखने में ये आया है कि यहाँ पूरा गंदा पसरा हुआ है। मैं अभी अभी जो यहाँ पूरा गंदा पसरा हुआ है, कचरा ही कचरा है, सब दूर ताले लगे हुए हैं, यहाँ रजिस्ट्रीकरण का नाम भी लिखा हुआ है, OPD भी लिखी हुई है और सब दूर जो है बहुत बढ़िया बना हुआ है ये, लेकिन इसका व्यवहार में बिल्कुल भी उपयोग नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई स्टाफ है नहीं और कोई स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। अगर यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं आरंभ कर दी जाए तो मैं समझता हूँ कि गरीब तबका क्या सामान्य नागरिक को भी यहाँ पर जो है अपनी सुविधाएं प्राप्त हो सकेगी। इसलिए मैं शासन से, संबंधित विभाग से ये अनुरोध करूँगा कि इस क्लिनिक का व्यवहारिक उपयोग शीघ्र से शीघ्र प्रारंभ किया जाए और केवल सीमेंट के बिल्डिंग बना करके और नहीं छोड़ा जाए। केवल बिल्डिंग बनाकर नहीं छोड़ा जाए ये लोगों का कहना है। आप देख सकते हैं कि ताला जड़ा हुआ है यहाँ पर, इसके खुलने का इंतजार इस इलाके के और इस आसपास का इलाका है यहाँ के रहवासियों को है, तब ये ताला खुलेगा और ये क्लिनिक संजीवनी क्लिनिक जो नाम है, क्योंकि संजीवनी का अर्थ होता है जीवन देना यानी बीमारियों से बचाने वाला, इस क्लिनिक जो है संजीवनी क्लिनिक जो पूरी तरह से जीवन देने वाला और स्वास्थ्य लाभ देने वाला बन जाए, जल्दी से इसका जो सेवाएं हैं स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को मिलने लगे, लोगों की उम्मीदें हैं। आगर मालवा से जफर मुल्तानी, NDTV।